हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। सो होप करते हैं आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन का नेक्स्ट डे। कल सभी ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, हमने भी किया। होप सभी का रक्षाबंधन अच्छे से गया होगा। तो आज पूरा दिन काम में बिजी थी क्योंकि ऑफिस का पूरा काम था, तो मैंने अभी लेट ब्लॉग शुरू करा है क्योंकि मुझे यही टाइम मिलता है कि मैं अपने काम के अलावा और भी एक्टिविटी करूँ। तो इस टाइम मेरा किचन का होता है, तो मैं जो भी बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पतोड़, जिसे हम पात्रा भी बोलते हैं। बेसिकली ये होता है अरबी के पत्तों के पकोड़े होते हैं, जिसे हम पतोड़ और पात्रा भी बोलते हैं। तो आज मैं उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना जा रही हूँ। तो आप लोग देखना पूरे व्लॉग को। व्लॉग में और भी चीज़ें होंगी, ज़रूरी नहीं सिर्फ रेसिपी, और भी चीज़ें हो सकती है, तो वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। तो आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहें और देखते रहें कि हम क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ व्लॉग में आज। यहाँ मैंने अरबी के पत्ते ले लिए, जो ये ख़राब ख़राब से इन्हें मैं निकाल दूंगी, बाकी को मैं यूज़ करूंगी। यूज़ करके जैसे मैंने इसमें पीछे की ये डंडी थोड़ी सी कट करके निकाल दी है, ऐसे में इन सब की मैं निकाल दूंगी। फिर उसको मैं बनाऊंगी अच्छे से धो के, जैसे भी बनाऊंगी बनाऊंगी वो मैं आपको ज़रूर वीडियो में शूट करके दिखाऊँगी। इसके डंठल हम इस तरीके से कट कर लेंगे, ऊपर ऊपर से स्किन रिमूव कर लेंगे ताकि ये जो है ये डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके से सभी की डंठल को कट करके साइड में रख लेंगे। यस, हमने सारे पत्ते अच्छे से वॉश करके रख लिए हैं। अब इनके लिए बैटर रेडी करूंगी, जिस पर मैं इसको लगा के फोल्ड करूंगी। इनका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया क्योंकि फ्रिज में रखे थे ना, दो तीन दिन हो गए थे, इस वजह से इनका कलर चेंज हो चुका है। बाकी ये सही है, सारे अच्छे पत्ते हैं। एक दो पत्ता खराब है, जो खराब थे वो मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैं इनके लिए बैटर रेडी करूँगी। बैटर रेडी करूँगी बेसन का। ये मैंने एक बर्तन में बेसन ले लिया है। बेसन आप पत्ते के हिसाब से लोग, जितने के अरबी के पत्ते होंगे, मैं 2-3 चम्मच ले लिए। अगर कम लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। 4 चम्मच में ले चुकी हूँ बेसन। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच हल्दी, मिर्च पाउडर आप अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप तेज खाते तो तेज डालें, कम खाते तो कम डालें। नमक स्वाद अनुसार, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चूर पाउडर 1 चम्मच, और इसमें डालेंगे पानी। पानी डाल के हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तरीके से। इसमें डालेंगे पानी, पानी आप उसी हिसाब से डालो जिससे आपको बैटर पतला ना हो। मेरा बैटर यहाँ पर रेडी है, देखो कितना सबको ऐसे ही रखना है, बिल्कुल पतली नहीं रखनी, ऐसे गाढ़ी गाढ़ी रखनी सबको। करें तो शुरू ठीक है, चल रहा। इस तरीके से हम इसको ना, जो हमने बैटर बनाया था, एक एक पत्ते को इस तरीके से
उल्टा करके रखेंगे, इस पे जो बैटर हमने बनाया था तो हम लगाते जाएंगे। हाँ जी, हाथ से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, चम्मच से लगाने के ढंग से लगता नहीं था, इसलिए हाथ से लगा रही हूँ। ज्यादा नहीं, चार चार पत्ते, तीन से चार पत्ते ही रखना, वरना वो फोल्ड करने में बड़ी दिक्कत होगी। इसके अंदर और कुछ नहीं डालना? नहीं, वो मैंने जो भी डाला था मैंने बता दिया है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक रोल तैयार हो गया। यस, बांधना बांधना या टूथपिक से कुछ करना? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बहुतों को बनता नहीं है, वो टूथपिक लगा सकते, बट मैं ऐसे ऐसे रखती हूँ ना तो वो हो जाएगा, इसलिए नहीं खुलेगा। द सेकंड, हाँ द सेकंड रोल। यहाँ पे मैंने सारे रोल बना लिए हैं और यहाँ मैंने पानी गर्म होने के रख दिया है। पानी गर्म होगा तो फिर मैं उनको बॉईल करूंगी, तब तक मैं बना लेती हूँ, आपके लिए उनकी तैयारी भी कर लेती हूँ। साथ यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं इसके वाला स्टैंड रख दूँगी, इसमें रखूँगी मैं अपने रोल सारे। एक एक करके मुझे रोल सारे रखने हैं। अगर आपने इसको बांधा नहीं है ना तो आप इसके इस वाले एरिया को से नीचे रख सकते हैं ताकि वो खुले ना। तीन मेरे स्टैंड पे आ गए, तीन में से इसे टुकड़े पर रखूंगी। एक, ये दो, इसको बॉईल होने तक, जब तक ये स्टीम में पक नहीं जाएंगे तब तक मैंने नहीं खोलूंगी। तो यहाँ पे ये बॉईल हो चुके हैं, स्टीम में बॉईल किया था मैंने तो ये हो चुके हैं। मैं इनको गोल गोल कट करके फ्राई करूंगी तेल में, ठंडा होने के बाद अभी गर्म है। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है और मैंने यहाँ पे इसके पीसेस कट कर लिए हैं, अब मैं इसको एक एक करके फ्राई करूँगी। यहाँ ये फ्राई हो चुके हैं, इसमें मैंने चाट मसाला और नमक डाल के इसको अच्छे से ऊपर से गार्निश कर दिया ताकि नमक जो कम था ना वो कवर हो जाएगा। ये लो, ये क्या जो बना रही थी मैं पतोड़? अच्छा, हाँ जी, टेस्ट करके बताओ कैसा है। गरम तो हो गई ना, अभी बना के लाई हूँ। नमक कम है? कोई बात नहीं, नमक कम ही रखा है क्योंकि खाने के साथ खाएंगे ना। नमक कम है। क्रंची बना है? क्रंची बना है। नमक तो वैसे भी कम रहता है मेरे खाने में। ठीक है, चलो करो एंजॉय आप।